अजहर को मैंने इतना ऑफर किया कि मेरे घर आकर रुके, लेकिन वो आया ही नहीं। क्या जरूरत है खुशामद करने की? जब वो होटल में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वही रहने देना। तुम इतनी बेजार क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। देखो, जिब्रान की शादी के लिए तुम इतनी एक्साइटेड थी, और अब जब मैं शादी का तस्करा करता हूँ तो तुम बेजार हो जाती हो। क्यों? मैंने उस लड़की को पहचानने में बहुत गलती कर दी। किस लड़की को? तुम्हारी होने वाली बहू और कौन? ओ मैडम, वो आपकी चॉइस है। यही तो मसला है। मुझे क्या पता था कि मेरी पसंद मेरे मुकाबले पे आने की कोशिश करेगी। क्या मतलब? मतलब वो हर चीज पे आर्ग्यू करती है, हर चीज पे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मुझे तो लगता है कि वो इस घर पर राज करने के ख्वाब देख रही है, लेकिन उसकी बड़ी भूल है। वो ये जानती नहीं है कि शाजिया मान कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। मेरा ख्याल है कि आप गलत समझ रही हैं, वो ऐसा नहीं चाहती। और अगर ऐसा है भी ना, तो एक ना एक दिन तो तुमने घर बैठना ही है ना। सारी चीजें उसको करने देनी है, अकाउंट्स उसके हवाले करने, फिर तो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे जीते जी, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। उसकी सोच होगी, उसकी भूल होगी कि वो मेरी जगह कभी ले सके। ठीक है, तुम अपना मूड ठीक करो, आज रिसेप्शन है, ठीक है? चाचा के तैयार हो। रिसेप्शन? मेरा बस चले ना, मैं उसको धक्के मार के घर से निकाल दूं। तो समझ रहे, बहुत मुश्किल काम है भाई। ओह माय गॉड, आंटी का ये रूप शादी से पहले ही मेरे सामने आ गया, थैंक गॉड। पर फिक्र ना करें, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे आज हर हाल में जिब्रान से मिलना और पैसे निकलवाने। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं मार्केट जा रही थी दादी जान, कुछ जरूरत की चीजें लेनी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या है? होश में हो तुम? अपने इज्जत में हो तुम? अंदर चलो फौरन। वो मगर दादी, कोई अगर मगर नहीं, तुम्हें जो चीज चाहिए मुझे लिस्ट बना के दो, मैं मंगवा दूंगी तुम्हें। चलो अंदर। जी। बेवकूफ कहीं की। हेलो हिबा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम आई नहीं, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ मैं आई थी हॉस्पिटल, उसके बाद फिर भाई की शादी, तो यू नो उसमें फिर बिजी हो गई थी मैं। हाँ कब है शादी? आज ही है। मैंने तुम्हें कार्ड व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम्हें आना है आज। हिबा लेकिन मेरी तबीयत। तुम्हारी तबीयत शेजी इस काबिल है कि तुम यहाँ आ सको, और तुमने यहाँ पे आके करना ही क्या है? सिर्फ बैठना ही तो है शादी में। ठीक कह रही हो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया और तुमसे मिलने का दिल भी चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी मोहब्बत पे यकीन होगा तुम्हें। ओ कम ऑन शेजी, तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी है। एंड फॉर गॉड सेक आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, और सुनो आना है तुमने, बाय।